हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की मेन वेबसाइट से आप इनकम सर्टिफिकेट, डोमेसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो इन सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अगर आप ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने आप यूजर आईडी या पासवर्ड भूल गए हैं, तो कैसे आपको यूजर आईडी पासवर्ड फॉरगेट करना है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखें दोस्तों, यूजर आईडी और पासवर्ड को आपको गेट करने के लिए आपको सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट की मेन वेबसाइट चले जाना है, जो कि ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली .gov.in। ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जाने के बाद सबसे पहले आपने आप इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड आए होंगे। अगर आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, तो इसके लिए आपको जाना होगा रजिस्टर यूजर लॉगिन के ऑप्शन में। रजिस्टर यूजर लॉगिन के ऑप्शन में जाने के बाद देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड देके लॉगिन करना होता है, तब आप कोई भी सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, तो आपको क्लिक करना है फॉरगेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड के ऑप्शन में। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम अपने रिसेट कर सकते हैं यूजर आईडी और पासवर्ड को। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, तो जिस कैंडिडेट के नाम से आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ फिल कर लेनी है। इसके बाद वो रजिस्टर मोबाइल नंबर फिल करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने फिल किया था। तो आपके पास रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर होना चाहिए, तभी आप अपने यहाँ यूजर आईडी और पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे फॉरगेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर देता हूँ, उसके बाद आप कैप्चा दे देना है और फिर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपके मोबाइल नंबर पर जो रजिस्टर मोबाइल नंबर उस पर एक ओटीपी जाएगा, जिसको आपको ओटीपी ऑप्शन फिल करना है। ओटीपी ऑप्शन फिल करने के बाद हमें सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। सबमिट ऑप्शन क्लिक करते ही देखिए हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एसएमएस के थ्रू सेंड कर दिया गया है। तो अब हमें अपने मोबाइल को चेक करना है। एसएमएस के थ्रू हमारे पास यूजर आईडी और पासवर्ड हमें रिसीव हुए होंगे, उसको हमें क्या करना है, हमें जाना है दोबारा से होम पे चले जाता हूँ मैं इस वेबसाइट की। इस पे जाने के बाद दोबारा मैं जाता हूँ रजिस्टर लॉगिन के ऑप्शन में। रजिस्टर लॉगिन के ऑप्शन में जाने के बाद देखिए अब जो यूजर आईडी पासवर्ड मुझे मोबाइल में एसएमएस के थ्रू रिसीव हुए हैं, उनको मुझे यूजर आईडी में और पासवर्ड के ऑप्शन में मुझे फिल कर लेना है। इसके बाद मुझे राइट कैप्चा फिल करना है, फिर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन के ऑप्शन क्लिक करने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पर जाऊँगा, जहाँ पर मुझे अपना पासवर्ड चेंज करना होगा। तो यहाँ पे मुझे ओल्ड पासवर्ड फिल करना है, इसके बाद मुझे न्यू पासवर्ड फिल करना है। जो भी आप अपना पासवर्ड रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। इसके बाद आपको कंफर्म करना है जो आपका न्यू पासवर्ड है। इसके बाद हमें चेंज पासवर्ड के ऑप्शन में क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा पासवर्ड भी चेंज हो चुका है, जो हमारा पासवर्ड है हमने क्रिएट कर लिया अपना न्यू पासवर्ड। अब हम दोबारा से रजिस्टर यूजर लॉगिन के ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे हमें अपना यूजर आईडी डालना है, इसके बाद हमने जो न्यू पासवर्ड क्रिएट किया है वो यहाँ पे फिल कर लेना है, राइट कैप्चा फिल करना है और लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करके हमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद देखिए हमारी प्रोफाइल शो करेगी, तो आप प्रोफाइल सेक्शन जाके अपनी प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकते हैं, या फिर आपको कोई सर्विस अप्लाई करनी है तो अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन जाके आप कोई भी सर्विस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आपको ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के यूजर आईडी या पासवर्ड अगर आप फॉरगेट कर चुके हैं अपने, तो उसको कैसे आपको रिट्रीव करना है, तो कैसे गेट करना है, उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।